अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल खापा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान आलू मटर की ताहिरी बनाने की, या आलू मटर के चावल कह लें इसको, ये पीले रंग के होते हैं तो इसलिए हम इसको ताहिरी कहते हैं, वो बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको उसके इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू हैं जिसे मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट के रखा है। 5 से 7 हरी मिर्चें हैं जो कि मैं एंड में डालूंगी, और 1 कप के करीब मटर हैं। यहाँ पे 2 कप बासमती राइस हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा या 35 मिनट कह लें आप भिगो के रखा है। 2 मीडियम साइज़ की अनियन हैं, इन प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके रखा है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। ये लहसुन अदरक का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट है, और ये वो सारे स्पाइसेस हैं जो आलू मटर की ताहिरी में जाएंगे। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून चाट मसाला है, और ये 1 टीस्पून सॉल्ट है। बाद में जब मैं राइस डालूंगी तो सॉल्ट चख के तेज़ या वो कर सकते हैं, फ़िलहाल हम ये वाला सॉल्ट यूज़ करेंगे। आप अपने चावलों के पानी और चावलों के टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को मैनेज करें। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉट गर्म हो रहा है, इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे 1/2 कप के करीब। अच्छा जी, जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें अपना ये प्याज ऐड कर देंगे जो थिनली स्लाइस की है। इस प्याज को हमने लाइट बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना। देखिए जैसे ही ये लाइट बिल्कुल ऐसे गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी प्याज, हम अपने ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसी के साथ ही हम ये सारे टमाटर भी इसमें डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून तक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से टमाटर गलने तक भूनना है, थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए अगर ढक के रखेंगे तो टमाटर फौरन गल जाएंगे, और चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल 3-4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही तो मैं पानी ऐड नहीं कर रही, सिर्फ इसको कवर करके 3 मिनट के लिए टमाटर गला के फिर दिखाती हूँ। चलें जी, 3-4 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं टमाटर गल चुके हैं। ये देखिए टमाटर गलाने का सबसे बेस्ट फार्मूला होता है ये कि 2-3 मिनट के लिए आप उसको कवर करके रख दें, फौरन गल जाते हैं टमाटर। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, यही ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा और ऑयल छोड़ देगा। जैसे ही ये मसाला अच्छी तरह भुन गया और ऑयल सेपरेट हो गया, आपने इसमें ये आलू और मटर ऐड कर देना है। इसके साथ ही इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू गल जाए उसमें। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट से ये पक रहा था, आलू गल गए होंगे अब। अच्छा जी, अब चेक करते हैं आलू गल गए होंगे। बेहतरीन आलू गल गए। अब हम इसके अंदर इनफ पानी है, थोड़ा सा पानी जो हमारे चावलों में है वो मैंने ये धो के जो भिगो के रखे हैं, अब सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे हम। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं और ऐड करूँगी, आप भी चेक कर लें, इतना पानी होना चाहिए कि आपके चावल उसमें दम हो जाए। थोड़ा पानी ऐड कर दिया, बस इतना। अब इसी स्टेज पे इसका नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लग रहा है तो और ऐड कर दें। चावल में जब पानी के साथ आप नमक चेक करेंगे तो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, फिर दम लगने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अच्छा जी,
चावल डाल दिए। अब इसी के साथ वो जो हरी मिर्चें थी इसको मैंने बीच में से कट लगा लिया, ये सारी हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे, जब दम पे आएंगे तो हल्की आंच करेंगे इसकी। तो कवर करते हैं और बॉयल आने का वेट करते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए इस तरह दम पे आ गए और मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है, ज़बरदस्त सी मज़ेदार तहरी। बिल्कुल हल्की आंच करके इसको तकरीबन 5-7 मिनट और दम दूंगी, उसके बाद ये रेडी है, सर्व करूंगी फिर दिखाऊंगी आपको। सो गाइज़ ये थी ज़बरदस्त सी आलू मटर की ताहिरी की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसे बनाएं और रायते के साथ और अचार के साथ खाएं, बहुत ही यमी लगती है।